दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि BCCI ने इस स्क्वाड में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। इस स्क्वाड में जहां कई युवा खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, तो वहीं वर्ल्ड कप खेलने वाले कई सीनियर खिलाड़ियों को भी इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच ये सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, इस सीरीज का पहला मुकाबला कब शुरू होगा और इस सीरीज के सभी मैचों को आप लाइव अपने मोबाइल और टेलीविजन पर कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज के लिए BCCI ने क्या बड़ा बदलाव किया है और किन किन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा की आप सभी तो जानते हैं की अभी हाल ही में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनी थी, जिसके बाद सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था। उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर BCCI ने सुमन गिल की कप्तानी में युवाओं से सजी भारत की बी टीम भेजी थी, जहां पर युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 4-1 से हरा दिया था। और अब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने वाली है, जिसके लिए BCCI ने टीम इंडिया में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे से गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया है। वहीं T20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं T20 और वनडे सीरीज में उप कप्तानी की जिम्मेदारी सुमन गिल को सौंपी गई है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम के इस स्क्वाड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को T20 सीरीज से आराम दिया गया है। तो वहीं पर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल की इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में वापसी हुई है। वहीं पर दोस्तों जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड को इस स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल और आवेश खान को भी इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पहले 3 मैचों की बहुत ही शानदार T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा। उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 28 अगस्त को श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम पर ही खेला जाएगा और यह मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 23 जुलाई को श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों T20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी और वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 2 अगस्त को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर में 2:30 बजे से शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार दोपहर में 2:30 बजे से शुरू होगा। उसके बाद वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 7 अगस्त को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार दोपहर में 2:30 बजे से शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों इस सीरीज के लिए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच आप इन मुकाबलों को टेलीविजन पर सोनी नेटवर्क पर देख पाएंगे। इसके अलावा DD स्पोर्ट चैनल पर भी इन मुकाबलों को दिखाया जाएगा और अगर आपको इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल पर देखनी है तो सोनी लीव ऐप पर दिखाई जाएगी, जहां पर आप इन मुकाबलों को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इस सीरीज के लिए सबसे पहले T20 स्क्वाड की बात करें तो इस स्क्वाड में नंबर 1 पर होंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। वहीं दोस्तों ODI सीरीज की बात करें तो ODI में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा सुमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम की T20 और ODI स्क्वाड कुछ इस तरह से होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 और ODI में श्रीलंका को हरा पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।